मॉर्निंग एवरीवन, मैं पॉल आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज है कितना तारीख है? आज 15 आज 15 तारीख है, 15 मई 2022। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सरायकेला। तो हमारा टूर एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ऑफिस से निकल चुके हैं। अभी हम नामकुम एरिया में पहुँचे हैं। नामकुम से अभी हम लोग चलते हुए जमशेदपुर रास्ता से चलते हुए सरायकेला को जाएंगे। वहाँ पर हमारा देखते हैं कि हमें कौन कौन सा स्पीसीज, कौन कौन सा ट्री मिलता है, सारा हम लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। एक्चुअली हमारा काम ये है कि हमें कमाल का सीड कलेक्ट करना है, लैटिफोलिया का सीड कलेक्ट करना है, चिरौंजी का पत्ता और सीड कलेक्ट करना है, और साल का जो हमारे हरे राम भैया जो आगे बैठे हुए हैं उनका पत्ता कलेक्ट करना है। तो आज हम देखते हैं, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं सरायकेला को। सबसे पहले हम जाके वहाँ के सर से, DFO सर से बात करेंगे। उसके बाद हमारा जैसा भी सिचुएशन होगा, जैसा भी हमारा प्लानिंग होगा, उस प्लानिंग को आपको बताते हुए चलेंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और नामकुम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो हम अभी जा रहे हैं जमशेदपुर से सरायकेला की ओर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते चलते हैं, रास्ता दिखाते चलते हैं। वैसे अगर आप यहाँ के होंगे तो आपको तो पता ही होगा, बट अगर जो बाहर के हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हम यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय अभी तय करने वाले हैं और सरायकेला की ओर जा रहे हैं। और अभी हम नामकुम की ओर पहुँचे हैं, जो झारखंड की राजधानी रांची है उसका एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे हमारे फौजी भाइयों का कैंप है नामकुम। हम लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हमारा राइट साइड में आचार्य कुलम स्कूल था, वो हम लोग जस्ट अभी क्रॉस किए हैं। तो आगे चलते हैं, आपको बताएंगे आगे का हर एक हाल समाचार आपको सुना के चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पालना डैम के पास में घूमते घूमते। हमारा आज का सर्वे अभी इसी ओर चलने वाला है, तो हमारा सर्वे अभी चलेगा साल के पेड़ का। और अभी हम पालना डैम के पास पहुंचे हैं, उसके किनारे हैं। अभी जस्ट हम रुके हैं पालना डैम के पास में। चलिए आपको पालना डैम का व्यू दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, आपको दिखाते हैं चलिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये है पालना डैम का व्यू, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हमें एक्चुअली मन कर रहा है यहाँ पे नहाने का, तो देखते हैं कैसा होता है, प्रोग्राम बनता है नहाने का। तो ये भैया जो है हमारे लुपिन भैया, ये बोल रहे हैं कि यहीं पे हम लोग नहा के जाएंगे आज की रात। रात हो ही जाएगा तो रात में नहाएंगे। ये हमारे विद्या जी हैं, ये हमारे आलम भाई है, और उस ओर है हमारे आयुष्मान जी। तो हम अभी इस ओर से आए हैं, अभी इस ओर में आगे जाना है और हमारा सर्वे उस ओर कहीं होगा उस साइड में। तो अभी हम जस्ट देखने के लिए रुके हैं यहाँ का व्यू। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा साइड का लोकेशन है, उस साइड में और भी है। उस साइड अगर देखिएगा तो उस साइड में काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हरेराम सर जो है यहाँ पे नहाने के लिए पूरा उत्सुक है, इसको नहाना चाहते हैं यहाँ पे डैम पे। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हमारे हरेराम सर वहाँ पे है, इनको हम लोग पकड़ के बीच में फेंकने वाले हैं। तो तैरने आता है ना? नहीं आता है ना, ठीक है, रस्सी बांध के फेंकेंगे, टेंशन मत लीजिए। रस्सी बांधेंगे आपको, फेंकेंगे आपको, फिर खींच कर आएंगे। तो जब हरे राम भैया को हम लोग फेंकेंगे तब आपको दिखाएंगे। हाँ देखिए देखिए देखिए, बोल रहे हैं काम खत्म करेंगे फिर डुबकी मारेंगे, इनको फेंकेंगे उधर, आपको फेंकेंगे। तो अभी यहाँ देख लिए, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा आज का जो साल का सर्वे था वो ख़त्म हो चुका है। अभी मौसम आप देख ही सकते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। आज पूरा बादल है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही है। तो अभी हम यहाँ, हमारा जो सर्वे था वो ख़त्म हो चुका है। और आपको आज का एक खास न्यूज़ आपको दिखाते हैं कि हमारे लुपिन भैया को देख रहे हैं,
फोटो खींचने का चक्कर में ऐसे ऐसे पोज में सो सो के लेट लेट के घुटने टेक टेक के फोटो ले रहे पेड़ का, इन्होंने कभी भाभी को ऐसा प्रपोज भी नहीं किया होगा, सो सो के फोटो खींच रहे हैं। देखिए इस बारे में लुकिन भैया कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, तो इस फोटोग्राफी के बारे में लुकिन भैया आप कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? एक्चुअली साल इज माई सेकेंड लव, सो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ साल, आई लाइक माई वाइफ, सो दिस इज दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द गुड फोटोग्राफ ऑफ साल। तो आप लोगों ने जैसे जाना कि इनके जो घुटने टेक टेक के फोटोग्राफी करने का जो ये है तरीका है वो क्यों आया है। जैसे सर ने हमें बताया कि जो ये अपनी जो हमारी भाभी है इनसे उतना प्यार नहीं करते हैं, बट साल से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो साल के सामने घुटने टेक टेक के फोटो ले रहे हैं। तो आज की कहानी बस इतना तक है। तो हमारा आज का काम ख़त्म हो गया, तो इन अ सीरियस नोट हमारा काम ख़त्म हो गया है, अभी हम जा रहे हैं और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, चलते हैं आगे दिखाते हैं हम गेस्ट हाउस कहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, चलते हैं, काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है, हमारा जाना ज़रूरी है वरना भींग जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। बेदिया जी आइए, तो ठीक है चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारे जो अगला स्टॉपेज होगा वो हमारा रेस्ट हाउस होगा। तो यहाँ का एक्चुअली मौसम काफ़ी, यहाँ का मौसम एक तो ख़राब हो चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है मौसम, बारिश होने वाली है, और एक मौसम है जो काफ़ी अच्छा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ का, आपको नज़ारा दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत, और आप देख रहे हैं हवा की वजह से छोटी छोटी लहर जो आ रही है वो चल रही है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आज पहुँचे हैं चांडिल डैम, और हम सब हैं यहाँ पे, बेदिया जी है यहाँ पे, आयुष्मान जी है, और यहाँ पे हमारे लुपिन भैया भी हैं। तो हम देख सकते हैं पीछे का भी अच्छा व्यू है, चांडिल डैम पहुँच चुके हैं, अभी शाम का समय है, बारिश जस्ट रुकी हुई है, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इधर पूरा नज़ारा काफ़ी अच्छा है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लुपिन भैया तो पता नहीं कहाँ बिजी है, वो तो बहुत बार आ चुके हैं और एक्चुअली गाड़ी में ऐसे नहीं थे वो, अभी इधर आते आते थोड़ा स्मार्ट हो गए। हाँ, हम लोग देखिए ऐसा है, हाँ तभी देखे थे ना ये हमारे लुपिन भैया को, जैसे चेंज होते रहते, हाँ जैसे रफ एंड टफ वाला था, अभी तो पूरा सेक्सी बॉय बन गए हैं, पूरा चार्मिंग बॉय बन गए हैं, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ आने का नतीजा है, मतलब यहाँ आने का असर कोई पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जगह है, ये है चांडिल डैम। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आगे चलेंगे, और आगे का नज़ारा देखते हैं आगे क्या होता है, तो अभी के लिए इतना ही, चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ से एक्चुअली निकलने वाले हैं अब। मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी हम पहुंच चुके हैं नहीं, एक्चुअली अभी हम रघुनाथपुर में हैं, और कल रात में हमारा जो स्टेइंग था यहीं पे हुआ था, एक्चुअली कल हम चांडिल डैम को घूमने गए थे, उसके बाद में हम यहाँ रघुनाथपुर के रेस्ट हाउस में आ चुके हैं, और हमें देखिए हमारे जो सर है वो हमें चाय पिला रहे हैं, और हम अभी यहाँ से अभी निकलने वाले हैं, यहाँ से फिर हमारा जो चांडिल एरिया में है वहाँ हमारा सर्वे बाकी था, तो वहाँ पर हम सर्वे करने वाले हैं, और ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ का रेस्ट हाउस है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है, काफ़ी खूबसूरत है, और आपको इधर दिखा दे कि इधर काफ़ी ऊंचे ऊंचे काफ़ी बड़े बड़े साल के पेड़ भी हैं, जो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे साल का पेड़ है, पूरा बगीचा है यहाँ पे, और आगे जाएंगे तो हमें लिप्टस के पेड़ भी मिलेंगे। तो अभी हम चाय पी लेते हैं, और हमारे लुपिन भैया बोल रहे हैं, सॉरी लिपुन भैया बोल रहे हैं कि हम जो यहाँ के साल के पेड़ का कुछ कुछ डाटा ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे किस तरह का
जीन किस तरह का डीएनए पाए जाते हैं, जो इस तरह के पेड़ बड़े हो चुके हैं एकदम पूरा डायनासोर के माफिक। लेना है ना डाटा? तो सर भी हाँ बोल चुके हैं, डाटा लेंगे यहाँ से। तो फिर यहाँ से हम डाटा वाटा लेके फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का हाल समाचार, आपको बताते हैं। तब तक थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, फिर आगे रास्ते में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं रास्ता में, टाटा। हेलो एवरीवन, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे चिरौंजे के फील्ड में। हमें पता चला हमारे जो गार्ड साहब है वो हमें लेके आए हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम है विनय, जो कि खूंटी बीट में ही आता है चांडिल में। तो यहाँ पे वो हमें लेके आए हैं और हमें बताया गया कि यहाँ पे जो है चिरौंजी का काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिरौंजी है। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप जैसे इधर पीछे देख सकते हैं, इधर जो पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट पूरा जंगल, जो पेड़ है पूरा वो वहाँ से लेके आपका उस तरफ तक, उधर तक पूरा का पूरा चिरौंजी भरा हुआ है। तो हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, हमारे लिपुन भैया पीछे से आ रहे हैं। तो हमें कुछ सैंपल यहाँ से कलेक्ट करना है, तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं, आगे चलते हैं और आपको आगे का हाल समाचार सुनाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा पूरा जो जंगल है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सारा प्याल से भरा हुआ है, एकदम मोटा मोटा चिरौंजी का पेड़ से भरा हुआ है और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है इसका एरिया। तो यहाँ पे हम आए हैं अपना जो सैंपल और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा काम जारी है, चल रहा है। और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, ये जितना भी यहाँ पे पेड़ अभी प्रेजेंट है सारा का सारा आपका चिरौंजी का पेड़ है और काफ़ी मोटा मोटा है और काफ़ी अच्छा अच्छा है। और इस जगह का नाम है आनंद, जो कि आपका खूंटी बीट में पड़ता है चांडिल जमशेदपुर एरिया में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा प्याल का पेड़ है और काफ़ी खूबसूरत है। हमें अभी तक का सर्वे में यहाँ पे एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिरौंजी का पेड़ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी मोटा, काफ़ी खूबसूरत है और आप चिरौंजी का बार्क देख सकते हैं। इस बार्क का पैटर्न आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है और ये पेड़ है काफ़ी मोटा, काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और जैसे देखिए हम जो आपको बताते आ रहे हैं कि हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, लीफ सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आयुष्मान जी हमारे जो डाटा है वो पेड़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जीपीएस लोकेशन ले रहे हैं कि ये पेड़ हमें कहाँ से मिला और इसकी मोटाई हो गई, इसकी ऊँचाई हो गई, ये सब हमारा जो डाटा होता है उसमें मेंशन किया जाता है। और हमारे ये लिपुन भैया जो है वो लीफ कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक लंबा प्रूनर है, हम तो इतने लंबे हो नहीं सकते हैं बट हमारा जो हाथ है प्रूनर के जरिए उसको लंबा करते हैं और हमारे जो ऊपर ऊपर पत्ते होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और नीचे लेके आते हैं और उसे हम इस तरह के पोली बैग में नंबरिंग के हिसाब से हम पैक करते हैं और इसे लैब ले जाते हैं, जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और अदर स्टडीज़ भी करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से हमारा काम भी जारी है, चल रहा है। हमारे लुकिन भाई अभी यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं पत्ते को और देखिए आपको दिखाते किस तरह से हम मोटाई को इसके नापते हैं, ये जीवीएच लेवल पे नापते हैं और नीचे इसका सीडी भी नापते हैं, कोलर डायमीटर, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई तो हम नाप ऐसे सकते नहीं है बट हम अंदाज़ा एक लगाते हैं कि ये इतना ऊँचा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं काम हमारे जारी है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम काम ख़त्म करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, अभी हमारा काम जो था वो ख़त्म हो चुका है। हमारा जो ये इस रेंज का जो खूंटी रेंज का जो कहाँ के अंदर आता है चांडिल रेंज के अंदर जो हमारा जो सर्वे था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी कड़ाके की धूप हो रही है तो हम जा रहे हैं अभी
टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 12:30 बज रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए, देखते हैं हमें लंच में खाने को क्या मिलता है। तो हमारा एक्चुअली आज का काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, है ना। आप लोग भी रेस्ट कीजिए, काफ़ी धूप है, बाहर मत निकलिए, धूप चल रही है, कहीं उड़ा के आपको कहीं और ना ले जाए। तो आराम कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, लू से बचिए और मास्क पहनिए, मास्क ज़रूरी है। हमको अब तो खुद नहीं पहने हैं मास्क, और मास्क पहनिए। हाँ, एक्चुअली बाहर धूप है काफ़ी, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हमें मास्क लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है, काफ़ी गर्मी है। तो हमें एक पेड़ दिखा है, गम्हार का पेड़ दिखा है, उसका डाटा ले लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा काम एक बाकी है, एक कमा हमें गम्हार का पेड़ मिला है, वो उसका डाटा ले लेते हैं, सारा कलेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे, खाना ना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, आप भी रेस्ट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले कहानी में, नेक्स्ट कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और सेफ रहिए। ठीक है, बाय बाय।